भाई फेस रिवील कब करोगे? फेस रिवील मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में किया हुआ है, बट स्टिल अगर आपने नहीं देखा है तो सो वेलकम टू आवर फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो। एंड आई नो ये वीडियो लाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट क्या ही रीज़न दू। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस, आप सभी ने काफ़ी सारे कॉमेंट्स किए, कॉन्ग्रेचुलेशन के। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन तो है ही, सो फर्स्ट मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर्स कर देता हूँ, लाइक वॉट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव एंड वॉट्स योर एज। सो माई नेम इज सोनू प्रजापति एंड मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से टाउन रोहा में रहता हूँ, रोहा रायगढ़। एंड एज तो चलो आप ही बताए, एक बहुत ही सिंपल सा मैथ से, आई वॉज बॉर्न इन द ईयर 2000, सो लेट्स सी माई एज इन द कॉमेंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चन, आर यू ग्रेजुएटेड? येस आई एम ग्रेजुएटेड, मैंने बी एस सी कम्प्लीट किया है। आज तक कितना ब्रेकअप हुआ है? अगर आप डीमोटिवेट होते हो तो क्या करते हो? सो अगर मैं कभी थोड़ा लो फील करता हूँ तो अपनी बाइक निकाल कर एक छोटा सा राउंड मार कर आ जाता हूँ, एंड बस उसके बाद थोड़ा सा बेटर फील होता है। एक्सपेंसिव ड्राइंग टूल्स को कब लेना चाहिए? जब आप अफोर्ड कर सको, बिकॉज ऐसा तो है नहीं अगर आपके पास एक्सपेंसिव टूल्स नहीं है तो आप ड्राइंग कर नहीं पाओगे। सो जब आपको ऐसा लगे कि अब आप अफोर्ड कर सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली बाय। आपको कुकिंग आती है? ऑब्वियसली मैं प्लेन मैगी एंड चाय बना लेता हूँ। हाउ टू स्टार्ट कमीशन वर्क ऑफलाइन? कोई आर्ट को सीरियस ही नहीं लेता। सो आर्ट को कोई तब तक सीरियस नहीं लेगा जब तक उसको इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होगी, बिकॉज ये एक डिफरेंट फील्ड है। अगर आप बोलोगे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, तो कोई ऐसा डिफरेंट रिएक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप बोलोगे कि मैं एक्टर हूँ, डांसर हूँ, यूट्यूबर, या फिर ऐसा कोई एक डिफरेंट फील्ड बोलोगे, तो लोगों के रिएक्शन भी डिफरेंट होंगे, एंड हो सकता है कई लोग उसको सीरियस ना ले। तो आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग सीरियस ले रहे हैं या नहीं, बस आपको सीरियस लेना है इस चीज़ को। आपने कभी यूट्यूब स्टार्ट करा था? सो मैंने यूट्यूब 2022 के स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था, आई थिंक जनवरी में ही करा था। आपकी फैमिली को कैसे मनाते हो आर्ट के लिए? सो मुझे फैमिली को बिल्कुल भी मनाना ही नहीं पड़ा, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। उनका ऐसा कोई डिफरेंट रिएक्शन ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा कर वैसा कर। उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है मेरे ऊपर आई थिंक, तो मुझे कभी मनाना ही नहीं पड़ा इस चीज़ के लिए उन्हें। ब्रो मेरे पास फेबर कैसल 9000 पेंसिल्स है, पर उसकी एट भी बार बार टूट रही है शार्प करते ही, और ये पेंसिल्स मैंने कल ही लिए, आप प्लीज़ बताओ ये कैसे फिक्स करूँ? सो देखो जितने भी डार्कर ग्रेड के पेंसिल्स हैं उनकी लीड सॉफ्ट होती है, एंड उनकी ब्रेकेज प्रिवेंट करने के दो ही सोल्यूशन है। एक तो आप उन्हें या तो कटर से शार्प कर सकते हो, या फिर अपना शार्पनर टाइम टू टाइम बदलते रहो। फॉर व्हाट पर्पज़ यू लर्न ड्राइंग? अपना इसमें करियर बनाने के लिए, बिकॉज देखो जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया तब मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था, एंड मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में उतना था नहीं, एंड मैंने जस्ट ड्राइंग स्टार्ट किया एंड करते गया, फिर मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ में करियर बनाना चाहिए, सो करियर बनाने के लिए किया। भाई आपकी इनकम? सो आई विल बी ऑनेस्ट, देखो मैं अपनी इनकम अभी के टाइम पर बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे पता है मेरी इनकम अभी उतनी स्टेबल नहीं है। कभी कभी डिसेंट सी अर्निंग हो जाती है, कभी कभी थोड़ी कम होती है, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट कैलकुलेट, बिकॉज अगर इनकम ज़्यादा हो या फिर डिसेंट हो तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना चाहिए, एंड अगर इनकम कम हो तो कभी डिमोटिवेट भी ना फील हो, इसलिए मैं कैलकुलेट ही नहीं करता। आपको कितने दिन लगे ड्राइंग को एक्यूरेट करने में? सो देखो अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी लानी है, बट इसलिए अगर आप पूछोगे तो मैं 3-4 महीने में कुछ ठीक ठाक बनाने लगा था। आई मीन मुझे तब से ही कमीशन वर्क्स आने लगे थे, कुछ रेगुलर नहीं आते थे बट स्टिल कुछ कुछ आने लगे थे। सो आई विल से कि मुझे 3-4 महीने लग गए थे कुछ थोड़ी बहुत एक्यूरेसी लाने में। सो भाई आपने ये चैनल क्यों बनाया था? सो देखो ऑनेस्टली मैंने स्टार्टिंग में ये सोचकर बनाए थे कि मस्त अपने ड्राइंग के टाइम लैप्स वीडियो बनाएंगे, सिनेमैटिक वीडियोस बनाएंगे, ये दबा दबा कर व्यूज आएंगे, ये पैसा कमाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड अभी के टाइम पर तो यही है कि मैं जो कुछ भी अभी तक सीखते आए हो मैं सामने शेयर करूँ, सो यही मोटिव है अभी तो, एंड पहले के टाइम तो कुछ और था। बट योर फेवरेट पेंसिल्स? सो देखो पेंसिल्स में मैंने अभी उतने ज़्यादा ब्रांड्स एक्सप्लोर नहीं किए, सो आई कांट से एनी फेवरेट। हाउ यू रिकॉर्ड एंड एडिट योर वीडियोज? सर रिकॉर्डिंग के लिए मैं अपने मोबाइल का ही यूज़ करता हूँ, जिससे मैं अभी कर रहा हूँ MI Note 10 Pro, एंड एडिटिंग भी इसी में होती है, अपलोडिंग भी इसी में होती है, बिकॉज मेरे पास अभी के टाइम पर कोई भी कैमरा, लैपटॉप या ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन दैट कैन यू स्टार्ट आवर ड्राइंग विद चीप कलर्स? येस यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विथ चीप कलर्स, सभी चीप कलर से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सबकी स्टार्टिंग जीरो से ही होती है। सो ये कभी मत सोचना कि मैं चीप मटेरियल से स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विथ चीप कलर्स। आपकी यूट्यूब जर्नी शेयर करिए प्लीज़। तो यूट्यूब जर्नी तो देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं टाइम लैप्स वीडियो, सिनेमैटिक वीडियोस बनाता था लॉन्ग वीडियोस में, एंड उसके बाद कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाते गए, जो भी मुझे दिखा कि ये वायरल चला गया मैंने वो बना दिया, ये वीडियो वायरल चली गई मैंने उस टाइप का वीडियो बना दिया। बट उसके बाद मैंने धीरे धीरे कम कर दिया अपलोड करना, एंड उसके बाद अब मैंने स्टार्ट किया कुछ ट्यूटोरियल्स डालना, टिप्स डालना, एंड थैंकफुली वो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, एंड मेरा भी मोटिव रहता है कि जो भी मैं सीखता है वो आप सभी के साथ शेयर करते रहूँ। सो यही कुछ जर्नी थी, अभी तो 50,000 हुए, अभी तो बहुत आगे जाना है।
आप एक मंथ में कितना अर्न करते हो यूट्यूब से? सो देखो, यूट्यूब से अभी तक मेरे कोई भी अर्निंग नहीं हुए, बिकॉज अभी तक मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं है। मैंने अभी कुछ 2-3 दिन पहले मोनिटाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा किया है, सो लेट्स सी कि कितना अर्निंग हो पाती है। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू टुक फॉर आर्ट? सो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट आई टुक फॉर आर्ट, दैट इज टेबल, जिसका कॉस्ट मुझे अराउंड 10,000 का पड़ गया था। एंड अगर आप मटेरियल्स का पूछेंगे तो मेरा अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव टूल ब्रूस्टो के कलर पेंसिल्स है, जो कि 72 शेड्स में आते हैं। एंड उसके अलावा मैंने अभी तक कोई भी एक्सपेंसिव टूल बाय नहीं किया आर्ट मटेरियल्स में। सो यही था अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव, तो ये टेबल ही है 10,000, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था। रियलिस्टिक वर्क के लिए आइवरी शीट का यूज़ कर सकते हैं? बताओ भाई प्लीज़। डेफिनेटली आप आइवरी शीट्स का यूज़ कर सकते हो। मैं खुद पहले आइवरी शीट्स का ही यूज़ करता था, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़। भाई आप क्या ड्राइंग क्लासेस लेते हो? अब भाई आपको पोर्ट्रेट सीखने में कितना टाइम लगा था? सो अभी के टाइम पर मैं कोई भी क्लासेस नहीं ले रहा, बट डेफिनेटली जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड पोर्ट्रेट सीखने में तो अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। बट जैसे मैंने बताया कि मैं 3-4 महीने में कुछ ठीक ठाक बना लेता था, सो यू कैन से मैं 3-4 महीने में कुछ ठीक ठाक पोर्ट्रेट बना लेता था। योर फेवरेट आर्ट वर्क? सो मेरा फेवरेट आर्ट वर्क, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं स्क्रीन पर यहाँ कहीं लगा दूंगा जो भी मेरा अभी तक का फेवरेट होगा। वैसे तो मैंने जितने भी अभी तक वर्क्स बनाए वो मेरे लिए ऑब्वियसली फेवरेट है ही, बट मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा जो भी अभी तक का मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट हो। सर मेरा भी आर्ट चैनल है पर मुझे ऑडियंस फॉलो नहीं करती, मैं क्या करूँ? सो देखो, जब तक आप ये सोचते रहोगे मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा हो, कोई मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, तब तक आपको कोई भी फॉलो नहीं करेगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि बस अपने ड्राइंग पर फोकस रखो, अपने क्वालिटी पर फोकस रखो, जो भी आप वीडियोस बनाओगे व्यूज़ पर फॉलोअर्स पर फोकस मत रखो, बिकॉज अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आपके फॉलोअर्स नहीं इंक्रीज होने वाले। भाई आपकी ओल्ड स्केच और बताओ। सो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर मैं ओल्ड स्केचेस एंड अभी के स्केचेस आप लोगों को दिखाऊंगा। बेसिकली एक डिस्प्ले बुक टूर टाइप की वीडियो होगी, योर ड्राइंग मटेरियल्स टूर। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज काफी सारे मटेरियल्स है, तो इस वीडियो में अगर मैं डालूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके ऊपर भी मैं एक जरूर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ड्राइंग बनाने से क्या ही होगा, कोई करियर नहीं है, सिर्फ बना के रख रहे हो, कुछ नहीं होगा, क्या करूं, मैं डिमोटिवेट होता हूं। सो जैसे मैंने बताया कि ये एक डिफरेंट फील्ड है, लोगों को इस फील्ड के बारे में उतना नहीं पता कि इसमें भी हम करियर बना सकते हैं। सो इसमें आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, बस अपना आप काम करते रहो एंड आप डेफिनेटली इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हो। माई क्वेश्चन इज विच क्लासेस हैव यू ज्वाइन फॉर स्केचिंग और पोर्ट्रेट? सो मैंने पोर्ट्रेट सीखने के लिए कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं की, बस यूट्यूब से ही सीखा है जो भी सीखा है, एंड बस डेली प्रैक्टिस करते करते खुद ही नॉलेज बढ़ते गए एंड अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आपने ड्राइंग करना किस एज से शुरू किया था? सो ड्राइंग करना मैंने वही स्कूल टाइम में स्टार्ट किया था जो सभी करते हैं, एंड उसके बाद जब स्कूल में ड्राइंग सब्जेक्ट बंद हुआ तो मैंने ड्राइंग करना भी बंद कर दिया था। एंड उसके बाद मैंने सीधा 2022 में पेंसिल उठाई, जैसे मैंने आपको बताया। भाई आर्ट क्लासेस लेते हो क्या? अगर नहीं फ्यूचर में लोगे क्या? डेफिनेटली अभी तो नहीं ले रहा, बट फ्यूचर में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा उस बारे में। भाई आपकी शादी हो गई? आपका चैनल ग्रो कब हुआ? सो मेरा चैनल अभी 2-3 महीने पहले ही ग्रो करना स्टार्ट हुआ एंड होपफुली आगे भी ग्रो करे। हु इंस्पायर्ड यू टू मेक यूट्यूब? सो मैंने यूट्यूब का चैनल, ये तो सौरव जोशी आर्ट्स का चैनल देख के स्टार्ट किया था, एंड मैंने ड्राइंग भी उन्हीं के चैनल से सीखी है। सो आप कह सकते हो कि उन्हीं के चैनल ने मुझे इंस्पायर किया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एंड ड्राइंग करने के लिए भी। प्लीज़ हाउ टू मेक सॉफ्ट लाइट बॉक्स इन वुडन पर वीडियो लाओ। सो इसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, बट हो सकता है वहाँ पर लोग कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हो, बट आप वहाँ पर सेम जगह वुडन का यूज़ कर सकते हो, प्लाईवुड्स का। आपकी शुरुआत कैसे हुई थी ड्राइंग को लेकर एंड आपको ड्राइंग करना क्यों पसंद है, आपकी फर्स्ट ड्राइंग? सो मैंने ड्राइंग स्टार्ट तो सौरव जोशी आर्ट के चैनल से ही किया था, उनके वीडियो में मैंने एक आई ड्राइंग देखी एंड उसको मैंने ड्रॉ करने का ट्राई किया था, मैं यहाँ कहीं पर लगा दूंगा। एंड क्यों पसंद, इसका तो मुझे खुद रीज़न नहीं पता, बस पसंद है। एंड वही मेरी फर्स्ट ड्राइंग थी जो मैंने आपको बताया, एक आई ड्रॉ करने का ट्राई किया था मैंने। कमीशन आर्टवर्क उनके पास कैसे भेजते हो? सो कमीशन आर्टवर्क सेंड करने के लिए आप कुरियर सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो, जैसे इंडिया पोस्ट, DTDC, ब्लू डार्ट। मैं पर्सनली DTDC कुरियर सर्विसेज का यूज़ करता हूँ। ब्रो आई डोंट सी योर वीडियोज़ बट आई लाइक योर कॉन्टेंट। माई क्वेश्चन इज हाउ टू ड्रॉ सुपर रियलिस्टिक ड्रॉइंग? तो देखो, सुपर रियलिस्टिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक तो रियलिस्टिक एंड हाइपर रियलिस्टिक होता है, एंड इन दोनों टॉपिक्स पर मैं आगे वीडियोस डेफिनेटली लाऊंगा। ब्रो मेरे अकाउंट में व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ टिप्स दो। सो देखो, जैसे मैंने बताया कि व्यूज़ के पीछे मत भागो, अपने बस काम करते रहो, ड्राइंग के ऊपर ध्यान दो, अपने वीडियो की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, आप डेफिनेटली व्यूज़ आपके आएंगे। भाई आजकल जितना भी छोटा आर्टिस्ट भरे हैं यूट्यूब में, वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जिसमें वो अपनी ड्राइंग से ज़्यादा अपनी मजबूरी दिखाते हैं, आपको क्या लगता है?
सो देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है कि उनको किस तरह का कंटेंट बनाना है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमको बस हमारे कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, हमारे काम के ऊपर ध्यान देना है। सो इट डजेंट मैटर कि कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, हमें बस खुद पर ध्यान देना है। ब्रो, कुछ कुछ टाइम पे मेरी ड्राइंग बिगड़ जाती है और मुझसे सिंपल से फिगर्स भी नहीं बन पाते। सो प्लीज़ टेल मी ए सोल्यूशन फॉर इट, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो वही, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप डेली लाइन प्रैक्टिस करो, बेसिक शेप्स के प्रैक्टिस करो, सर्कल्स ड्रॉ करो। पहले बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो, सीधा आप पोर्ट्रेट या फिर फिगर पर मत जाओ, बेसिक सीखो। आप डेफिनेटली बाकी सब आगे आगे सीखते रहोगे। प्लीज़ अपलोड योर ड्राइंग वीडियोज़ रेगुलरली। सो देखो, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ रेगुलरली आए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज़ मेरा फोकस क्वालिटी पर ज़्यादा होता है। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी बना कर बस जल्दी जल्दी मैं कुछ भी अपलोड कर दूँ। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मेरे वीडियोज़ रेगुलरली नहीं आते, बस 2 या 3 दिन का बीच में गैप होता है। तो दीज वेर द फ्यू क्वेश्चन जो कि मैंने सिलेक्ट किए हुए थे, एंड और भी कई सारे थे जो कि सिमिलर थे, जिनके आंसर्स भी सिमिलर ही होते। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज डूइंग अ फेस कैम वीडियो, सो सॉरी फॉर द मिस्टेक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।